इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉकडाउन बढ़ने से जो चार स्टॉक्स है जिससे आपको बिल्कुल भी दूरी बना के रखना है, क्योंकि ये चार स्टॉक्स में जो अब है भारी गिरावट आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि लॉकडाउन हमारा बढ़ चुका है। ऐसे में अब जो हमारा है इन सभी स्टॉक्स में आपको एक शार्प करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं उन चार स्टॉक्स के बारे में जिसमें लॉकडाउन के कारण बहुत ही तेज़ गिरावट देखने मिलेगा। लॉकडाउन जब हट जाता है तब पर भी जो माहौल है हमारा उसको सामान्य होने में जैसे पहले था उस तरह का नॉर्मल माहौल होने में बहुत ही वक्त लगेगा, इसलिए इन स्टॉक्स में बहुत ही तेज़ गिरावट अभी आपको देखने मिलेगी। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि माहौल जब नॉर्मल होता है तो इनका बिजनेस फिर से कब रिकवर होता है, किस तरह से फिर नॉर्मल रूप से बिजनेस चालू होता है। तब तक इस स्टॉक्स में आपको लगातार गिरावट, इसमें जो वोलेटिलिटी है वो आपको देखने मिलेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। तो इस तरह के स्टॉक्स से अभी आपको दूरी बनाए रखना है। तो चलिए उन चार स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जिस पे लॉकडाउन का बहुत ही खास असर पड़ेगा। लॉकडाउन से ये चारों स्टॉक्स बिल्कुल पिट सकते हैं, बिल्कुल बर्बाद हो सकते हैं, बहुत ही नीचे के प्राइस पर ये आ सकते हैं। तो सबसे पहले आज ये देख लेते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है हमारा नरेंद्र मोदी साहब ने, हमारे जो माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब है, उन्होंने आज घोषणा किया कि लॉकडाउन हमारा 3 मई तक होगा, 3 मई तक, और 20 अप्रैल से कुछ जो है जो क्षेत्र है उसको रिस्ट्रिक्शन से हटाया जाएगा, लेकिन वैसे क्षेत्र जहां पर जो कोई केस नहीं पाया जाता है, मतलब जहां पर कोई केस नहीं मिलेगा नया पॉजिटिव केस कोरोना वायरस का, वहां पर लॉकडाउन धीरे धीरे नॉर्मल किया जाएगा 20 अप्रैल से। लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि ये छोटे छोटे शहरों में ही संभव है क्योंकि बड़े जो शहर हैं वहाँ पर अभी भी हमारे बहुत सारे पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 20 अप्रैल से इधर तो हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर लॉकडाउन खत्म नहीं होने वाले, छोटे शहरों में आपको मिल सकते हैं। टोटल अभी तक देख सकते हैं कि 10,363 इन्फेक्टेड पेशेंट अभी भी हैं हमारा, और जिसमें 339 डेथ मृत्यु हो चुकी है, और जो टोटल हमारा पर्सन मिला है 10,360, उसमें से अभी भी रिकवर होने के लिए बचा हुआ कितना 8,998 पर्सन अभी भी हमारा बचा हुआ है, और रिकवर हो चुका है कितना 1,035%, इतना रिकवर हो चुका है। और महाराष्ट्र जो है हमारा वो 2,455 पॉजिटिव केस के साथ सबसे टॉप पे है, उसके बाद हमारा जो है दिल्ली, तमिलनाडु, इस तरह से। तो अब चलते हैं हम उन स्टॉक्स पे जिस स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस स्टॉक से आपको बिल्कुल भी दूरी बनाए रखना है, बिल्कुल भी अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहला हमारा है इंटर ग्लोबल एविएशन, देख सकते हैं इंटर ग्लोबल एविएशन आज करेंट प्राइस इसका कितना है, देख सकते हैं 1,057.50, और ये आज 15 पॉइंट से अप है 1.49% से। और ये सेक्टर का जो अभी बिजनेस है स्टार्ट होने में वक्त लगेगा क्योंकि 19 डेज लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, तो ऐसे में यह स्टॉक में आपको बहुत ही तेज गिरावट देखने मिलेगा। तो इसलिए इस तेज गिरावट का आप जो है वेट करें, और जब तक नॉर्मल नहीं हो जाता सिचुएशन पूरी तरह से, जैसे लगता है कि इसका बिजनेस अब पहले की तरह नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा, तब तक आप इनसे दूरी बनाए रखें। क्योंकि जो हमारा लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाता है तो टूरिस्ट लोग एक जगह से दूसरे जगह जाना जो आदमी है वो स्टार्ट होने में वक्त लगेगा, और जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस है वो भी आ सकता है। तो ऐसे में लोग के पास जो है मनी की कमी होगी, तो वैसे भी वो एविएशन सेक्टर में कम ही जाएंगे, वो जो सस्ते कॉस्ट वाले जो रास्ता होगा एक जगह से दूसरे जगह जैसे ट्रेन से, उसको प्रीफर करेंगे। तो इस तरह से भी इस स्टॉक में आपको करेक्शन देखने मिलेगा एक लंबे वक्त तक, क्योंकि अभी 19 डेज लॉकडाउन है, उसके बाद इस बिजनेस को नॉर्मल रूप लेने में वक्त लगेगा। इसलिए इन सभी स्टॉक से अभी आप बिल्कुल ही दूरी बनाए रखें। अगला जो हमारा स्टॉक्स है उस पर चलते हैं। तो अगला स्टॉक्स है हमारा स्पाइस जेट, देख सकते हैं इसी इंडस्ट्री का जो हमारा है दूसरा शेयर है ये। तो इस शेयर से भी आपको बिल्कुल दूरी बनाए रखना है। इंटर ग्लोबल एविएशन थोड़ा अच्छा स्टॉक्स भी है, ये तो कंपनियां कर्ज के बोझ से भी दबी हुई है। आप स्पाइस जेट देख सकते हैं, जो हमारा एविएशन सेक्टर है उसमें अभी स्टार्ट होने में बिजनेस को बहुत ही वक्त लगेगा, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन हो जाता है फिर भी लोग जो है टूरिस्ट लोग जो लोग फॉरेन जाएंगे उसमें वक्त लगेगा, क्योंकि अभी जो सारी चीज़ सामान्य भी हो जाती है। तो लेकिन ये सेक्टर जो एविएशन सेक्टर है इसमें
बहुत एक लंबा वक्त आपको लग सकता है। इसलिए आपको इन स्टॉक से बिल्कुल भी दूरी बनाए रखना। ऐसे भी ये कंपनी कर्ज में है और ये जो सेक्टर है ये भी सेक्टर अभी मुनाफे में नहीं चल रही है, तो ऐसे में भी इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो हमारा जो आपको सलाह है कि आप इन सब स्टॉक से अभी दूरी बनाए रखें। और इस स्टॉक्स में अब आपको सिर्फ गिरावट देखने मिलेगी कुछ समय तक, क्योंकि इस जो सर्विसेज है लॉकडाउन बढ़ने से इनका और भी 19 दिन के लिए आगे बढ़ चुका है। उसके बाद भी वक्त जो है नॉर्मल होने में बहुत ही समय लगेगा। इस तरह से इस सारे स्टॉक्स में आपको बहुत ही तेज़ गिरावट देखने मिलेगा। नहीं तो लोगों को आशा थी कि 15 अप्रैल से ये सारी चीज़ें चलने लगेगी तो सारा बिजनेस सामान्य हो जाएगा, तो ये कंपनियाँ लगातार प्रॉफिट में करेगी, प्रॉफिट बनाएगी, तो इसलिए इस सारे स्टॉक्स में थोड़ा तेज़ी देखने मिल रहा था। लेकिन अब आपको बहुत ही इसमें करेक्शन गिरावट देखने मिल सकता है। अगला हमारा स्टॉक्स है PVR, देख सकते हैं जो PVR सिनेमा है, आप मूवी देख रहे हैं, ये तो बहुत ही लंबा वक्त लगेगा। जो एविएशन सेक्टर है उससे भी एक लंबा वक्त लगेगा इसमें, क्योंकि जो हमारा लॉकडाउन ख़त्म ही होता है तो हमें एक जगह जमा होना, समूह में जमा होने नहीं दिया जाएगा, तो जो पब्लिक गैदरिंग है उस पर रोक रहेगा। तो इन सेक्टर्स को वक्त लगेगा अपने नॉर्मल रूप में आने में। जैसे हमारा लॉकडाउन ख़त्म होता है, जैसे 20 अप्रैल से कुछ मतलब सख्ती को, कुछ रिस्ट्रिक्शन को ढीला किया जाएगा, तो उसमें उस सभी जगहों को किया जाएगा जहां कोई नया केस नहीं मिलता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े शहरों में जो PVR इंडस्ट्री है वहां पे अभी सख्ती खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि वहां नए नए केसेस लगातार मिल रहे हैं। तो इस तरह से PVR जो स्टॉक्स है बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, ये आपको अब नीचे के प्राइस पर आपको आते हुए दिखेंगे, मतलब इसमें एक गिरावट आपको देखने मिलेंगे अगले कुछ दिनों तक। तो क्योंकि अभी जो लोगों को आशा थी कि 15 अप्रैल से सारी चीज़ें नॉर्मल चालू हो जाएगी, हम लोग जो है इस मूवी देखने जाएंगे, तो ये सारे स्टॉक्स नॉर्मल रूप से फिर से रिएक्ट करेंगे। लेकिन अब जो लोग की आशाएं हैं वो बहुत ही लंबे वक्त तक आगे चली गई है, तो ऐसे में ये स्टॉक्स आपको लगातार नीचे की ओर गिरते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद जो हमारा अगला स्टॉक्स है वो भी इसी सेक्टर से है, वो है आईनोएक्स। देख सकते हैं इसका जो अभी करेंट प्राइस है वो है 218 रुपीज़, और ये 18 पॉइंट देख सकते हैं आज भी डाउन है, मतलब जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उस दिन भी डाउन है, और 7.61 इतना परसेंट का तेज़ गिरावट इसमें देखने मिला है। तो इन सभी स्टॉक्स आप बिल्कुल ही दूरी बनाए रखें। तो ये जो चार स्टॉक्स है और भी आगे बताएंगे कि किस सेक्टर से आपको बिल्कुल ही दूर रहना है, किन सब स्टॉक्स से अभी बिल्कुल ही आपको दूरी बनाए रखना है, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स अब जो इनके बिजनेस को नॉर्मल रूप लेने में एक लंबा वक्त लगेगा, तो ऐसे में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फिर ये ट्रैप कर लेगा, फिर आपको जो है इसमें उलझ जाएंगे, इसमें फंस जाएंगे, तो फिर आपको आगे मुसीबत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि इसको जो नॉर्मल लूप होगा, मतलब इस स्टॉक का जो अपना करेक्शन है उसको रिकवर करने में एक लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि जैसे हमारा लॉकडाउन ख़त्म होता है फिर भी पब्लिक गैदरिंग होने नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए इन सारे स्टॉक्स आपको दूर रहना है। और अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा, मतलब आपका सहायता किया, फाइनेंशियली आपको मदद किया, आपको किसी तरह के ट्रैप होने से बचाया, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल पर जुड़े रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।